अस्सलाम वालेकुम एस्पायरेंट्स, हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया के आउटलाइन के आज फोर्थ वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मुस्लिम स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। सो इसमें हम देखेंगे मुसलमानों की जदोजहद आज़ादी में रोल ऑफ शाह वलीउल्लाह, यानी शाह वलीउल्लाह का क्या किरदार था, सैयद अहमद शहीद एंड सर सैयद अहमद खान टूवर्ड्स रीजनरेशन ऑफ द मुस्लिम ऑफ साउथ एशिया। देन वी विल डिस्कस ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, पार्टीशन ऑफ बंगाल, शिमला डिपोर्टेशन, लखनऊ पैक्ट मीन खिलाफत मूवमेंट, नेहरू रिपोर्ट एंड कैद आजम 14 पॉइंट्स। सो स्ट्रगल, मुस्लिम स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस इन इंडिया एंड इन साउथ एशिया। मुस्लिम स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस इन साउथ एशिया वाज अ लॉन्ग कॉम्प्लेक्स प्रोसेस दैट इवॉल्वड ओवर सेंचुरीज, स्पेशली अंडर ब्रिटिश कॉलोनियल रूल। सो ड्यूरिंग दिस टाइम सेवरल प्रोमिनेंट मुस्लिम लीडर्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस प्लेड की रोल्स इन प्रोटेक्टिंग मुस्लिम आइडेंटिटी, राइट्स एंड पोलिटिकल इंटरेस्ट। जुनूबी एशिया में जो मुसलमान थे उनकी जदोजहद आज़ादी एक बड़े, एक तवील और एक पेचीदा यह प्रोसेस था जो कई सदियों के ऊपर, यानी कि यह मुहित था, खासतौर पर जो बरतानवी इस्तेमारी दौर था उसमें। सो इस दौरान कई अहम मुस्लिम रहनुमा आए, बहुत सारी तंजीमें बनी, मुसलमानों की शनाख्त, मुसलमानों के हकूक और जो सियासी मफादात थे उनके तहफ़ में काफ़ी किरदार अदा करती रही। और जो अहम रहनुमा थे शाह वलीउल्लाह, सैयद अहमद शहीद, सर सैयद अहमद खान जैसी जो शख्सियात थी, उन्होंने मुसलमानों की फिक्री तौर पर, सकाफती तौर पर और जो सियासी क़ुव्वत थी उसको बहाल करने में बहुत अहम किरदार अदा किया। तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का क्याम अमल माया, बंगाल की तकसीम हुई और शिमला वफद जैसे वाक़ात जिसमें मुसलमानों के जदोजहद और इनके रहनुमाओं का रोल देखेंगे। सो रोल ऑफ शाह वलीउल्लाह इन द रीजनरेशन ऑफ द मुस्लिम, मुसलमानों के तजदीद में वली शाह वलीउल्लाह का क्या किरदार था। तो सबसे पहले हम पसे मंजर देखते हैं कि शाह वलीउल्लाह दिल्ली के एक मुमताज़ इस्लामी आलम और फलसफी थे। सो उनका जो दौर था वो मुगलिया सल्तनत के जवाल और मुसलमानों को दरपेश समाजी, सियासी और मजहबी चैलेंजेस का ज़माना था। यानी जिस ज़माने में वो थे उस वक्त मुसलमानों को, जो मुगलिया सल्तनत थी मुसलमानों की, वो भी जवाल का शिकार हो रही थी और मुसलमान भी समाजी सतह पर भी, सियासी सतह पर भी और मजहबी सतह पर भी बहुत सारे चैलेंजेस का सामना कर रहे थे। तो उन्होंने इस्लाम की बहाली के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश की, उन्होंने इस्लामी तालीम दी मुसलमानों को, उन्होंने बहुत अहम किरदार अदा किया मुसलमानों के, उन्होंने कुरान और हदीस की असल तालीमात की तरफ वापस आने की उन्होंने तरगीब दी और उन्होंने कुरान का फारसी जबान में भी तर्जमा किया ताकि जो आम मुसलमान हैं इसको समझ सकें। तो उसके बाद उन्होंने यानी कि इस्लाम की बहाली के लिए कोशिशें की, इस्लामी तरीकों की इस्लाह की। शाह वलीउल्लाह का ये मानना था कि मुसलमान जो हैं वो असली तालीमात से मुनहरिफ हो चुके हैं, यानी कुरान और हदीस की जो तालीमात हैं, इस्लाम की तालीमात है, उससे हट चुके हैं और उन्होंने इसी वजह से वो मुसलमान जो हैं वो जवाल का शिकार हो रहे हैं। तो उन्होंने मुसलमानों से गैर इस्लामी रसूमात को ख़त्म करने और कुरान हदीस पर मबनी एक पाकीज़ा इस्लामी तरीका अपनाने पर भी उन्होंने जोर दिया और पॉलिटिकल और सोशल विजन में भी उन्होंने अपना बहुत अहम किरदार अदा किया। सियासी और समाजी नज़रिए में शाह वलीउल्लाह ने मुसलमानों के दरमियान इतिहाद की अहमियत के ऊपर जोर दिया क्योंकि मुसलमान को उस वक्त इतिहाद की बहुत ज़रूरत थी। मुसलमान जो है बरसगीर में मुसलमानों की हुकूमत भी जवाल का शिकार हो रही थी और मुसलमान जो है वो माशरे के अंदर हर फील्ड में बाकी कौमों से पीछे जा रहे थे। तो बैरूनी खतरात मुसलमानों को दरपेश थे, खासतौर पर जो बरसगीर में दूसरी कौमें थी जैसे सिख थे, बरतानिया के लोग थे और उसके बाद मराठे जैसी कौमें थी, उनकी तरफ से मुसलमानों को बहुत सारे खतरात का सामना था। तो इस खतरात से बचाने के लिए उन्होंने कोशिशें की, उन्होंने अफगान हुक्मरान अहमद शाह अब्दाली को हिंदुस्तान पर हमला करने की दावत दी और उसके नतीजे में क्या हुआ कि 1761 में तीसरी जंग पानीपत हुई थी और इसमें मराठों को शिकस्त दी गई थी और मुसलमान जो ताकत थी उसका आजी तौर पर इस यानी कि उसको फतह हासिल हुई थी। सो हम देखेंगे लीगेसी विरासत में क्या किरदार था शाह वलीउल्लाह की तालीमात का। शाह वलीउल्लाह ने तालीमात ने हिंदुस्तान में बहुत से जो बाद के मुसलमान थे, मुसलहिन थे, सियासी रहनुमा थे, उनके ऊपर काफ़ी असरात छोड़े। उनकी फिक्र ने इस्लामी जो शनाख्त थी उसके तहफ़ में गैर मुल्की तसलत के खिलाफ मज़ाहमत के लिए बाद की तहरीकों को मुतासर किया। ठीक है, सो अब हम देखते हैं सैयद अहमद शहीद का क्या रोल था शाह वलीउल्लाह के बाद दूसरे जो रहनुमा थे, रोल ऑफ सैयद अहमद शहीद इन द मुस्लिम स्ट्रगल। तो सैयद अहमद शहीद ने भी मुसलमानों के जो है वो उसको यानी के जवाल
उनके अंदर जब मुसलमान जवाल का शिकार हो रहे थे उनमें उन्होंने भी अपना रोल प्ले किया कि मुसलमानों को किस तरह से यानी कि समाजी सतह पर भी सियासी सतह पर भी राइज किया जाए और मुसलमानों को किस तरह से तरगीब दी जाए आगे बढ़ने के लिए। शहीद जो थे वो एक मुमताज जंगजू थे, उन्होंने इस्लामी हुकूमत को बहाल करने की कोशिशें की, सिखों और बरतानियों की जो बढ़ती हुई ताकतें थी उनके खिलाफ उन्होंने मजामत की कोशिशें की। और इसके अलावा जहाद तहरीक, ऐसे सैयद अहमद शहीद ने अपनी जहाद तहरीक यानी तहरीक मुजाहिदीन के लिए के हवाले से वो मशहूर थे और उनका मकसद इस्लामी शरीयत के तहत एक इस्लामी रियासत कायम करना था। ठीक है, सो खासतौर पर पंजाब में जो सिख सल्तनत थी उनके खिलाफ उन्होंने फौजी जदोजहद की क्यादत की थी। तो 1826 में उन्होंने सिख हुक्मरान जो रंजीत सिंह थे उनके खिलाफ जहाद का ऐलान किया था और ताकि इस्लामी हुकूमत कायम की जा सके। जब इब्तदा थी तो कुछ फतवाहत हासिल हुई थी लेकिन अंदरूनी इख्तलाफात की वजह से इनकी जो तहरीक थी उनको 1831 में बालाकोट की जंग में शिकस्त का सामना करना पड़ा और इसी जंग में सैयद अहमद जो थे वो शहीद हो गए थे। अब क्या इम्पेक्ट पड़ा उनके जहाद की तारीख का? तो उनकी जहाद की तारीख नाकाम रही थी काफी हद तक। सैयद अहमद शहीद की जदोजहद ने मुसलमानों की आइंदा नस्लों को खुद मुख्तार और जो मुसलमानों के ऊपर फॉरेन डोमिनेशन थी यानी जो गैर मुल्क की तसल्लत था उसके खिलाफ मजामत करने के लिए जरूर उन्होंने इसको मुतासर किया और उनकी इस्लामी इस्लाह भी थी। हुक्मरानी के जदोजहद ने भी उनमें जो बाद में आने वाले मुसलमान रहनुमा थे उनकी ये जदोजहद उन बाद में आने वाले मुसलमान रहनुमाओं के लिए मिसाल बन गई। रोल ऑफ सर सैयद अहमद खान इन द रीजनरेशन ऑफ द मुस्लिम्स। सर सैयद अहमद खान का मुसलमानों की तजदीद में क्या किरदार था? सर सैयद अहमद खान जो थे एक प्रोमिनेंट मुस्लिम स्कॉलर थे, रिफॉर्मर थे, पॉलिटिशियन थे। उनका काम जो था खासतौर पर 1857 की जंग आज़ादी के बाद मुसलमानों की तालीमी और सियासी तरक्की के ऊपर मरकोज था। तो मुसलमान जब बरे सगीर में थे मुसलमान काफ़ी हद तक जवाल का शिकार हो रहे थे और हिंदू जो थे मुसलमानों के मुकाबले में ज़्यादा पढ़े लिखे तबके में शामिल हो रहे थे और ज़्यादा बरतानिया के लोगों के अंग्रेज़ों के करीब हो रहे थे। तो मुसलमानों को मजहबी सतह पर भी सियासी सतह पर भी मुसलमान तन्हाई का शिकार हो रहे थे। तो इसलिए मुसलमानों की तालीम के लिए मुसलमानों की सियासी तरक्की के लिए बहुत से मुस्लिम रहनुमाओं ने अपना किरदार अदा किया। शाह वलीउल्लाह ने किरदार अदा किया, सैयद अहमद शहीद ने अपना किरदार अदा किया, सर सैयद अहमद खान ने इसमें अपना किरदार अदा किया जिसके नतीजे में मुस्लिम हुक्मरानी का खात्मा मुसलमानों पर बरतानियों के शदीद ज़ुल्म से तम हुए थे जब 1857 की जंग आज़ादी में मुसलमानों को नाकामी हुई थी। तो 1857 की जंग आज़ादी की नाकामी की बड़ी वजह अंदरूनी इख्तलाफात भी थे और जब इसमें मुसलमान और हिंदू दोनों ने मुश्तरक तौर पर इसमें हिस्सा लिया था ताकि अंग्रेज़ों के तसल्लुत से आज़ादी हासिल की जा सके लेकिन वो मुसलमान हुक्मरानी का इसके नतीजे में खात्मा हो गया था और जो भी यानी मुसलमान थे उनके ऊपर जो बरतानिया के लोगों की तरफ से शदीद जुल्म सितम यानी कि शुरू हो गए थे। उसके बाद उनके किरदार था एजुकेशन रिफॉर्म्स के अंदर, तालीम असलाहत में उन्होंने बहुत अहम किरदार अदा किया। सर सैयद अहमद खान का ये मानना था कि मुसलमानों की तजदीद का रास्ता जो है वो जदीद तलीम से ही होकर गुजरता है और उनको उनका ये यकीन था कि मुसलमानों को जदीद तलीम हासिल करनी चाहिए। 1875 में 1875 में उन्होंने अलीगढ़ में एक इदारा कायम किया था मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के नाम से और इसकी बुनियाद रखी थी जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनी और इसका मकसद क्या था कि जो इस्लामी तालीम है उसके साथ मगरबी अलूम को जोड़ा जाए ताकि एक जदीद और तरक्की पसंद जो मुस्लिम मुआशरा है उसको तश्कील दिया जा सके। तो सर सैयद अहमद खान का यानी कि ये उनकी कोशिश थी और उनकी ये जदोजहद थी कि मुसलमानों को जदीद तालीम से आरास्ता किया जाए ताकि मुसलमान अपनी हर सतह के ऊपर जो है वो नुमाइंदगी कर सकें, अपने मसाइल बयान कर सकें और अपने मजहब के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सकें, मुसलमान जो है वो अपने हर शोबे के अंदर तरक्की हासिल कर सके और ये सब जदीद तलीम के जरिए ही मुमकिन था। साइंटिफिक एंड मॉडर्न थिंकिंग। सर सैयद एम्फसाइज्ड द इंपॉर्टेंस ऑफ साइंटिफिक नॉलेज एंड एडवोकेटेड फॉर मुस्लिम्स टू लर्न इंग्लिश एंड अडॉप्ट मॉडर्न मेथड्स ऑफ एजुकेशन टू कम्पीट विद हिंस एंड हु वर एडवांसिंग अंडर ब्रिटिश कॉलोनियल रूल। इसके अलावा सर सैयद अहमद खान ने साइंस के अंदर और जदीद सोच में मुसलमानों को आगे बढ़ाने के लिए अपना किरदार अदा किया। उन्होंने साइंसी इलम की अहमियत के ऊपर जोर दिया और मुसलमानों को अंग्रेजी सीखने में जदीद तालीम जो तरीके थे
उनको अपनाने की तरकीब दी ताकि वो हिंदुओं के साथ साथ जो है वो मुकाबला कर सके। जो बरतानवी राज है उसके तहत तेजी से जो हिंदू थे वो तरक्की कर रहे थे और उनकी उन्होंने भी मुसलमानों को जदीद तालीम हासिल करके आगे बढ़ने की तरकीब दी। जो उनकी पॉलिटिकल थाट थी लॉयल्टी टू ब्रिटिश बरतानिया हुकूमत से वफादारी थी। उनकी सोच में सर सैयद का ये मानना था कि जो मुसलमान हैं वो अकलियत में हैं, तो अकलियत में होने की वजह से जो बरतानवी हैं उनके साथ मुसलमानों को कोऑपरेट करना चाहिए और उनकी मुसलमानों को चाहिए कि उनकी मुखालफत ना करें। तो उन्होंने मुसलमानों को ये मशवरा दिया कि वो इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी जो 1885 में कायम हुई थी उसमें शामिल ना हो, क्योंकि वो उसे एक हिंदू अक्सरियत तंजीम समझते थे जो मुसलमानों के मफादात को नुकसान पहुंचा सकती थी। और 1937 के इंतखाबात के बाद यह बात वाजह हो गई थी कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी वो सिर्फ हिंदुओं की जमात थी, क्योंकि उसने सिर्फ हिंदुओं के मफादात को प्रोटेक्ट करना शुरू किया और मुसलमान जो थे वो सियासी सत्ता के ऊपर तनहाई का शिकार हो रहे थे। मुसलमानों को एक अलहदा सियासी जमात की ज़रूरत थी और एक लीडर और बाकी नुमाइंदगान की ज़रूरत थी। सो इसके नतीजे में मुस्लिम लीग कायम हुई थी। सो टू नेशन थ्योरी, सो सैयद वाज वन ऑफ द अर्लीस्ट एडवोकेट्स ऑफ द आइडिया दैट देयर हिंदू एंड मुस्लिम्स वर टू डिस्टिंक्ट नेशंस विद डिफरेंट रिलीजियंस कल्चर्स एंड इंटरेस्ट। सो दिस आइडिया लेटर बिकेम द फाउंडेशन ऑफ द डिमांड फॉर द क्रिएशन ऑफ द पाकिस्तान। दो कौमी नजरिया दिया था सर सैयद अहमद खान ने, इब्तदाई रहनुमाओं में से थे जिन्होंने दो कौमी नजरिया दिया। उन्होंने ये नजरिया पेश किया कि हिंदू और मुसलमान दो अलग कौमें हैं, उनके मजाहब उनके सकाफतें और उनके मफादात एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, और ये नजरिया बाद में फिर पाकिस्तान के क़याम की भी बुनियाद बना। देन लिगेसी, सर सैयद अहमद खान इज कंसीडर्ड अ पायनियर इन मुस्लिम मॉडर्निज्म। हिज एफर्ट्स टू कंबाइन ट्रेडिशनल इस्लामिक वैल्यूज विद मॉडर्न एजुकेशन laid the groundwork for future Muslim political movements and inspired the establishment of institutions like All India Muslim League. Sir Sayyid Ahmed Khan ko Muslim jadidiyat ke bani ke taur par bhi jana jata hai. Unke jo rawaiti Islamic values thi unko jadid taleem ke sath milane ki jo unki koshish thi unhone mustaqbil ke Muslim jo siyasi tehreeke thi unke liye bhi buniyad kharam ki thi. ठीक है, और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जैसे इदारे थे, इस तरह के इदारे भी कायम हुए थे। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की बनी थी 1906 में और ढाका के अंदर जो मौजूदा इस वक्त बांग्लादेश है तो इसमें ये कायम हुई थी। और इसका मकसद क्या था कि बरतानवी जो हिंदुस्तान है उसमें मुसलमानों के मफादात की नुमाइंदगी की जाएगी, और इसके क्याम का इस वक्त के जो सियासी हालात थे उनके तहत इसका क्याम अमल में आया था। और जब मुसलमानों को ये खदशा था कि हिंदुस्तानी सियासत में उन्हें नज़रअंदाज किया जा रहा है खासतौर पर इंडिया नेशनल कांग्रेस के अंदर, यानी इंडिया नेशनल कांग्रेस जो थी वो मुसलमानों को नज़रअंदाज कर रही थी, मुसलमानों के मफादात को प्रोटेक्ट नहीं कर रही थी और वो सिर्फ वो हिंदुओं की नुमाइंदा जमात बनकर रह गई थी। और इंडिया नेशनल कांग्रेस जब कायम हुई थी तो उसका दावा था कि वो बरसगीर में तमाम रहने वाली जो कौमें हैं उनकी नुमाइंदा जमात है, लेकिन उनके जो मकासद थे उनके अजाम थे वो उससे उसके बयान से मुख्तलिफ थे, उन्होंने सिर्फ हिंदुओं के मफादात को ही प्रोटेक्ट किया। तो इसका मकसद क्या था, मुस्लिम लीग कायम हुई थी कि हिंदुस्तान मुसलमानों के सियासी हकों का तहफ़ किया जाए और उनको आगे बढ़ाया जाए, और मुसलमानों में बरतानवी हुकूमत के कई वफादारी का जज्बा भी पैदा किया जाए, क्योंकि मुसलमान उस वक्त अकलियत में थे। सो हिंदुस्तानी सियासत में हिंदू अक्सरियत थी जो कांग्रेस थी उसकी बालादस्ती को भी रोकना मुस्लिम लीग के क्याम के मकासद में शामिल था। देन पॉलिटिकल अचीवमेंट्स हम देखते हैं, मुस्लिम लीग ने कौन कौन सी अचीवमेंट हासिल की, क्या मुस्लिम लीग की सियासी कामयाबियाँ रही। तो मुस्लिम लीग ने 1916 में कांग्रेस के साथ जो लखनऊ पैक्ट था उसने बहुत अहम किरदार अदा किया, जिसने आजी तौर पर हिंदुओं और मुसलमानों के दरमियान तावन का दौर भी शुरू किया। तो मोहम्मद अली जिना की क्यादत में मुस्लिम लीग ने ऐसा एक अलहदा मुस्लिम रियासत के मुतालबे की तरफ पेशकदमी की जो आखिरकार 1947 में पाकिस्तान के क्याम के ऊपर ख़त्म हुई। सो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905-1911। अगर हम बंगाल की तकसीम का पस मंज़र देखें तो 1905 में बरतानवी हुकूमत ने लॉर्ड कर्जन की सरबराही में बंगाल को दो सूबों के अंदर तकसीम कर दिया था। उनमें से मशरकी बंगाल था जिसकी अक्सरियत मुसलमान थी और बाकी जो मगरबी बंगाल था उसकी अक्सरियत हिंदू थी। तो ये जो तकसीम थी, ये जो डिवीज़न थी, ये इंतज़ामी अमूर को बेहतर बनाने के लिए की गई थी, लेकिन बहुत से हिंदुओं ने इसे हिंदुस्तानी कौम परस्ती को कमज़ोर करने और तकसीम करने की साजिश के तौर पर देखा।
Then Muslims sport generally supported the partition as it gave them political and economic opportunities in East Bengal, where they were the majority. Many Muslims felt that partitions allowed them to flourish without being dominated by Hindu elite. तो मुस्लिम हमायत जो इसमें यानी कि थी मुसलमानों के लिए अमूमन इस तकसीम की हमायत की, क्योंकि इसने मशरकी बंगाल में जहाँ उनकी अक्सरियत थी उन्हें सियासी और मुआशी तौर पर मौके मिले। बहुत से मुसलमानों को महसूस हुआ कि इस तकसीम से उन्हें हिंदू अशराफिया के जेर असर रहने के बगैर तरक्की करने का मौका मिलेगा। उसके बाद हिंदू मुखालफत और तकसीम का खात्मा हुआ। हिंदुओं ने इस तकसीम की शदीद मुखालफत की और एक बड़ी एहतजाजी तहरीक भी हिंदुओं ने शुरू की। तो 1911 में बरतानवी हुकूमत ने बड़ी सतह के ऊपर हिंदू मुखालफत के सबब तकसीम को ख़त्म कर दिया। सो जिससे मुसलमानों में मायूसी भी पैदा हुई और इन दोनों जो बरादरियाँ थी कम्यूनिटीज़ थी उनके दरमियान इख्तलाफात भी मज़ीद गहरे हो गए। सो देन वी विल डिस्कस शिमला डेपुटेशन, शिमला वफद 1906। इस वफद का मकसद क्या था? शिमला वफद मुसलमान रहनुमाओं का एक गिरोह था जो 1906 के अंदर हिंदुस्तान के वासीराय लॉर्ड मिंटो से शिमला में मिला और उनका जो मुतालबा था वो ये था कि मुसलमानों को कानून साज इदारों में अलग सियासी नुमाइंदगी दी जाए, क्योंकि वो एक मुनफरद कौम है। उनका मजहब, उनके सियासी, उनके सकाफत, उनके रिवाज, रस्म रिवाज एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, बाकी हिंदू और सिखों से मुख्तलिफ हैं। बरसगीर में रहने वाले बाकी तमाम जो अकवाम हैं उनका उनसे उनका मजहब मुख्तलिफ है, उनका रहन सहन मुख्तलिफ है, उनके रस्म रिवाज मुख्तलिफ हैं। तो इसलिए मुसलमानों की सियासी नुमाइंदगी दी जाए और उनके सियासी मफादात के तहफ़ के लिए उनको अलहदा हल्के भी मुसलमानों को दिए जाने जरूरी थे। सो शिमला डेपुटेशन वॉज सक्सेसफुल इन कन्विंसिंग द ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ द नीड फॉर सेपरेट मुस्लिम इलेक्टोरेट्स विच वॉज लेटर ग्रांटेड इन द मॉडल अमेंडमेंट ऑफ रिफॉर्म्स इन 1909। So this marked a significant step in securing political rights for Muslims eventually to the growing influence of the All India Muslim League. Shimla Wafad jo tha wo Bartanvi hukumat ko musalmanon ke liye ek alag intikhabi halke faram karne ke upar qail yani ke qaim karne ke upar kamyab ho gaya tha, halke faram karne ke upar unko qail karne mein kamyab ho gaya, jo baad mein 1909 ke marle मिंटो इस्लाहात में भी उनको दिया गया था। और ये मुसलमानों के सियासी हकूक को महफूज करने की जानिब एक अहम कदम भी था और इसे ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का इन्फ्लुएंस भी बढ़ने लगा था। सो इसके मस्बत नतायज सामने आए थे। सो जनूबी एशिया में मुसलमानों की आज़ादी की जदोजहद में शाह वलीउल्लाह, सैयद अहमद शहीद, सर सैयद अहमद खान जैसे रहनुमाओं ने कोशिशें की। उनकी कोशिशों से मुसलमानों की फिक्री सियासी बहाली की बुनियाद रखी गई। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का क्या अमल में आया। इसके अलावा बंगाल की तकसीम हुई और शिमला वफद जैसे वाक़यात भी मुसलमानों के सियासी हकूक के हसूल में बहुत अहम साबित हुए, जो एक अलग मुस्लिम रियासत के मुतालबे की तरफ ले गए। 1947 में पाकिस्तान का क्याम हुआ। तो मुसलमानों की जदोजहद आज़ादी के जो अहम मराहिल थे उनमें मुसलमानों की आज़ादी की जदोजहद में 20वीं सदी के इब्तदाई अरसे में जो मुख्तलिफ सियासी तहरीकें चलाई गईं मुहदात सामने आए थे। तो इसमें जो देखेंगे कि वो कौन से फैक्टर्स थे जिसमें लखनऊ पैक्ट है, खिलाफत मूवमेंट है, नेहरू रिपोर्ट और कैद आज़म के 14 निकात हैं। तो ये चार पॉइंट्स हैं यानी कि जिन्होंने मुसलमानों की आज़ादी की जदोजहद में बहुत अहम किरदार अदा किया। और लखनऊ पैक्ट 1916 में आया। इसका अगर हम पस मंज़र देखते हैं तो लखनऊ पैक्ट एक माहदा था जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के दरमियान हुआ था। सो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो हिंदुओं की जमात थी और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग मुसलमानों की जमात थी। और इसका मकसद क्या था? हिंदुस्तान के मुसलमानों के मुतालबात को पूरा करना। सो इट वॉज अ रिस्पॉन्स टू द ग्रोइंग अवेयरनेस अमंग मुस्लिम्स ऑफ देयर पोलिटिकल राइट्स इन द नीड फॉर यूनाइटी इन द स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। इनके सियासी हकूक के हवाले से बढ़ती हुई जो यानी बेदारी थी और आज़ादी की जदोजहद में इतिहाद की ज़रूरत का जवाब था। की फीचर्स इसके क्या हैं, इसके अहम नुकात हैं मुश्तरका नुमाइंदगी यानी जॉइंट रिप्रेजेंटेशन। तो इसमें ज़्यादा जो वसी सियासी असलाहत का मुतालबा किया गया था और इस पैक्ट में हिंदू और मुसलमानों के लिए कानून साज इदारों में मुश्तरका नुमाइंदगी की बात की गई ताकि दोनों कम्यूनिटीज़ के दरमियान कोऑपरेशन को बढ़ाया जा सके। दूसरा इसमें यानी कि नुकता था पोलिटिकल रिफॉर्म का, तो सियासी असलाहत की गई बड़ी सतह के ऊपर। इसमें मुतालबा किया गया था कि बड़ी सतह के ऊपर सियासी असलाहत की जाए जिसमें हिंदुस्तानियों को हुकूमत और इंतजामी अमूर में ज़्यादा किरदार देने की बात की गई थी। उसके बाद इसमें एक और नुक्ता था अलहदा हल्के का,
यानी पैक्ट में मुसलमानों के लिए एक अलग इंतखाबी हलकों के हक को तस्लीम किया गया ताकि मुसलमान अपने नुमाइंदे खुद मुंतखब कर सके। उसके बाद इसमें ज्यादा खुद मुख्तारी के हवाले से भी मुतालबा किया गया था कि जो सूबाई खुद मुख्तारी है उसमें इजाफा किया जाएगा और इस मकामी सतह के ऊपर खुद हुक्मरानी का हक मिल सके। तो लखनऊ पैक्ट हिंदू मुस्लिम इतिहाद का एक अहम लम्हा था जिसने ज्यादा हकूक और नुमाइंदगी के लिए मुश्तरका कोशिशों की अकासी की। सो इट ले द ग्राउंड वर्क फॉर फ्यूचर पोलिटिकल नेगोशिएशंस एंड वाज अ क्रूशल स्टेप टुवर्ड द इवेंचुअल स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। इसने मुस्तकबिल की सियासी मुज़ाकरात की भी बुनियाद रखी और आज़ादी की जद्दोजहद की सिमत भी तय की। सो नेक्स्ट वी विल डिस्कस खिलाफत मूवमेंट 1919 टू 1924। द खिलाफत मूवमेंट इमर्ज इन रिस्पॉन्स टू द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द ऑटोमन एम्पायर आफ्टर वर्ल्ड वार। इंडियन मुस्लिम्स वर कंसर्न अबाउट द फेट ऑफ द खिलाफत इन द स्टेटस ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड वाइड। तो खिलाफत तहरीक जो थी वो पहली जंग अजीम के बाद सल्तनत उस्मानिया के जवाल के जवाब में उभरी थी और जो हिंदुस्तानी मुसलमान थे वो खिलाफत के मुस्तकबिल और आलमी सतह के ऊपर जो मुसलमानों की हैसियत थी उसके बारे में काफ़ी फिक्रमंद थे। खिलाफत मूवमेंट के की फीचर्स हैं रिस्टोरेशन ऑफ द खिलाफत, हिंदू मुस्लिम यूनाइटी, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो खिलाफत की बहाली एक अहम नुकता था। तहरीक का बुनियादी मकसद था बरतानी हुकूमत के ऊपर दबाव डालकर खिलाफत को बहाल कराना और सल्तनत उस्मानिया की हमायत हासिल करना। उसके बाद जो दूसरा अहम नुकता था हिंदू मुस्लिम इतिहाद का था। तहरीक ने बरतानवी जो इस्तेमारी थी हुकूमत के खिलाफ हिंदू मुस्लिम इतिहाद को फ़रोग देने की कोशिश की और जिसे महात्मा गांधी और कांग्रेस रहनुमाओं की हमायत हासिल थी। सो एक और अहम नुकता था इसके अंदर तहरीक अदम तावन का, यानी जो खिलाफत तहरीक थी उसका तहरीक का अदम तावन से भी गहरा ताल्लुक था जो बरतानवी मसनूआत और इदारों के बायकाट की तहरीक थी। सो इसके सिग्निफिकेंस की बात करें तो खिलाफत तहरीक ने हिंदुस्तान में मुसलमानों की सियासी बेदारी को भी उजागर किया, ठीक है, और उन्हें एक मुश्तरका मकसद के लिए भी मुतहरक करने की सलाहियत को साबित किया। तहरीक के जो जवाल के बाद मुसलमानों में एक अलग सियासी शनाख्त की जरूरत का एहसास भी मजीद बढ़ गया। सो अब हम डिस्कस करते हैं नेहरू रिपोर्ट 1928। सो नेहरू रिपोर्ट जो थी वो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने दी जवाहरलाल नेहरू की सरबराही में तैयार की गई थी जिसका मकसद क्या था कि हिंदुस्तान के लिए जो आईनी असलाहत हैं उनकी वजाहत की जाएगी और इसमें कांग्रेस की आज़ादी के हवाले से सोच भी मौजूद थी। इसके की फीचर्स थे डिमांड फॉर डोमिनेंट स्टेटस, जनरल फ्रेंचाइज एंड प्रोविजन फॉर माइनॉरिटीज। तो रिपोर्ट में हिंदुस्तान को बरतानवी सल्तनत में डोमिनेंट का दर्जा देने का मुतालबा किया गया था जैसे कि कैनेडा और ऑस्ट्रेलिया को हासिल था। उसके बाद अमूमी जो राय दहिंदगी थी रिपोर्ट में आम बालगा राय दही के निज़ाम और एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट के क्याम की तजवीज़ भी दी गई थी। और इसके अलावा इसमें पॉइंट था अकलियतों के लिए इंतजाम, यानी रिपोर्ट में अकलियतों के हकूक के तहफ़ की ज़रूरत को भी तस्लीम किया गया था लेकिन ये बुनियादी तौर पर हिंदुओं के मफादात के हक में थी जिससे मुसलमानों में काफ़ी बेचैनी पैदा हुई। सो नेहरू रिपोर्ट को मुस्लिम रहनुमाओं की तरफ से शदीद तनकीद का सामना करना पड़ा, ख़ासतौर पर इस वजह से कि उस मुसलमानों के सियासी हकूक़ को नज़रअंदाज किया गया था और सिर्फ हिंदुओं के मफादात को इसमें प्रोटेक्ट किया गया था। तो इससे हिंदू मुस्लिम इख्तलाफात मजीद गहरे हो गए और मुसलमान की तरफ से मजीद मुतालबात सामने आने लगे। सो कायदे आज़म के 14 निकात क्या थे 1929 में आए नेहरू रिपोर्ट के जवाब में कायदे आज़म ने 14 निकात दिए थे मुसलमानों के सियासी हकूक से मुतलक बढ़ती हुई जो बेचैनी थी उसके जवाब में मोहम्मद अली जिन्ना ने अपने 14 निकात पेश किए थे। इसके की फीचर्स थे सेपरेट इलेक्टोरेट्स, प्रोटेक्शन ऑफ द मुस्लिम माइनॉरिटी राइट्स, इक्वल रिप्रेजेंटेशन। तो अलहदा हल्के मुसलमानों की तरफ से यानी अलहदा हल्के हासिल करने की तरफ तवज्जो दी गई थी, मुसलमानों की तरफ से मुतालबा किया गया था कि जहाँ पर मुसलमानों की आबादी ज़्यादा है उनको अलहदा हल्के दिए जाएँ। इन निकात मुसलमानों के लिए अलहदा इंतखाबी हल्कों की अहमियत को दोहराया गया ताकि उनकी सियासी नुमाइंदगी को यकीनी बनाया जा सके। इसके अलावा यह कायदे आज़म के 14 निकात में जो अहम पॉइंट थे अकलियतों के हकूक़ का तहफ़ था, यानी जिन्होंने मुसलमानों और दीगर जो अकलियतें थीं उनके हकूक़ की तहफ़ के लिए जो है वो आईने जो जमानतें थी उनका मुतालबा किया था। और इसके अलावा इसमें सूबाई खुद मुख्तारी थी, सूबाई खुद मुख्तारी हासिल करने का भी एक अहम नुकता था
इसमें कि सूबों को ज्यादा खुद मुख्तारी का मुतालबा किया गया सूबों की तरफ से ताकि मकामी हुकूमतों को ज्यादा इख्तियार मिल सके। और उसके बाद बराबर नुमाइंदगी का एक अहम नुकता था, इस नुकात में तमाम कानून साज़ इदारों में मुसलमानों के लिए बराबर की नुमाइंदगी का इसमें मुतालबा किया गया था। सो कायदे आज़म 14 पॉइंट्स बिकम अ फाउंडेशनल डॉक्यूमेंट फॉर मुस्लिम पॉलिटिकल एस्पिरेशंस इन इंडिया। इट एम्ड टू यूनाइट द मुस्लिम कम्युनिटी अंडर अ कॉमन काज एंड लेड द ग्राउंड वर्क फॉर द इवेंचुअल डिमांड फॉर पाकिस्तान। कायदे आज़म के 14 निकात जो थे वो हिंदुस्तान में जो मुसलमानों की सियासी ख्वाहिशात थे उनके एक बुनियादी दस्तावेज बन गए थे। उनका मकसद मुसलमानों को एक मुश्तरक मकसद के तहत मुतहद करना था और ये निकात पाकिस्तान के क्याम के मुतालबे की बुनियाद भी बने। हिंदुस्तान में मुसलमानों की आज़ादी की जदोजहद मुख्तलिफ तहरीकात मुआहदात के ऊपर मुश्तमिल थी। इसमें मुसलमानों की सियासी ज़रूरियात और ख्वाहिशात को हाईलाइट किया गया था। लखनऊ पैक ने हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद को प्रमोट किया। खिलाफत तहरीक ने मुसलमानों को आलमी मसले के ऊपर मुतारिक किया। नेहरू रिपोर्ट ने हिंदू अक्सरियती सियासत की कमजोरियों को उजागर किया और कैद आजम के 14 निकात ने मुसलमानों के मुतालबात को वाज़ेह तौर पर पेश किया। तो ये तमाम जो इसके अंदर यानी के वाक़ात हैं वो आज़ादी की तहरीक और पाकिस्तान के क़याम की राह हमवार करने में बहुत अहम साबित हुए। बरतानवी हिंदुस्तान में जो फ़िरका वराना सियासत थी उनकी पेचीदगियों को भी इसके अंदर ज़ाहिर किया गया था। हमने डिस्कस किया कि मुसलमानों की जदोजहद आज़ादी में किन किन रहनुमाओं ने क्या क्या किरदार अदा किया, उनके इस्लामी तरीकों की असलाह उन्होंने किस तरह से की, और मुख्तलिफ जो रहनुमा थे उन्होंने मुसलमानों के लिए मुसलमानों को यानी कि किस तरह से साइंसी और जदीद सोच में आगे बढ़ाने की कोशिशें की, उनके सियासी ख्याल क्या थे, दो कौमी नज़रिया दिया गया, आल इंडिया मुस्लिम लीग कायम हुई थी और हमने डिस्कस किया कि आल इंडिया मुस्लिम लीग के क्याम का मकसद क्या था, बंगाल की तकसीम को डिस्कस किया उसके पस मंज़र के साथ, और शिमला वफद और उसके नताइज को देखा इस वफद का मकसद क्या था, और जनूबी एशिया मुसलमानों की यानी कि आज़ादी की जदोजहद के अंदर जो अहम नुकात थे, लखनऊ पैक था 1916 में और उसके अहम नुकात को हमने डिस्कस किया। उसके बाद हमने खिलाफत तहरीक देखी उसके आपस मंजर और अहम नुकात, फिर नेहरू रिपोर्ट जो कि 1928 में आई थी जवाहरलाल नेहरू की तरफ से जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के एक रहनुमा थे, इनके अहम नुकात क्या थे और उनका मकसद क्या था, उसके जवाब में कैद आजम ने 14 नुकात दिए 1929 के अंदर। इसमें मुसलमानों के जो है हकूक को ज़्यादा अपने प्रोटेक्ट किया गया था। इन टॉपिक्स के रिगार्डिंग मजीद कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। इफ़ यू लाइक आवर वीडियो देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।